फलों के बादशाह आम में अल्लाह ताला ने कौन कौन से कीमती अज्जा रखे हैं? आम कौन कौन सी बीमारियों का इलाज है? आम के मुकम्मल फवायद जानने के लिए इस वीडियो को एक बार मुकम्मल ज़रूर देखें। नाज़रीन, आज आपके साथ आमों के हवाले से बात होगी। आम को फलों में फलों के बादशाह का खिताब हासिल है। ये फलों का बादशाह क्यों है, इसकी बाकायदा वजूहात हैं। अल्लाह तबारक ताला ने आम के अंदर बहुत सारे तिब्बी अनासर और ऐसे अज्ज़ा रखे हैं जिनके बेशुमार इंसान की सेहत पर असरात हैं, फवायद हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आम में अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ें रखी हैं, इसमें क्या क्या खूबियां हैं और उनके क्या फवायद हैं। पाकिस्तान का आम दुनिया भर में अपनी मिठास और आला जायके की वजह से मशहूर है। पाकिस्तान में सुबह सिंध और खिता सराकिस्तान के आम अपनी मिसाल आप हैं, और बहर के ममालिक को जो आम ज़्यादा बरामद होता है वो भी इन खितों के इजला का होता है। तो हम आज आपको बता रहे हैं आम के फवायद। आम खाएं और सेहत बनाएं। अल्लाह ताला ने आम के अंदर विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सारे अज्जा रखे हैं। पोटाशियम, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, एंटी ऑक्सीडेंट और कुछ और अज्जा हैं, गैलिक एसिड, मिथाइल गेल्ट, क्वायर स्टीजन, आइसो क्वायर सीट्रन, ईस्टर लिगन, फिस्टन, बीटा कैरोटीन और गलोटा समेत 20 के लगभग अहम अज्जा अल्लाह पाक ने इस फल के अंदर रखे हुए हैं। आप ये सुनकर, ये जानकर यकीनन हैरान होंगे कि आम खाने के फवायद कितने हैं। हम आपको बता रहे हैं उशाक टीवी के नाज़रीन के लिए कि विटामिन ई जो है आम के अंदर, वो आपकी जल्द को फ़ायदा देता है, जल्द को निखारता है, खूबसूरत बनाता है। पोटाशियम फिशारे खून, आपके ब्लड प्रेशर को जो है कंट्रोल में रखता है। फाइबर आम के अंदर है, ये मैदे को, निज़ाम हज़म को दुरुस्त रखता है, आपके पेट की सफाई करता है, ये कब्ज नहीं होने देता। विटामिन ए बिनाई आँखों के लिए, याददाश्त के लिए बहुत अनमोल तोहफा है। कैल्शियम आम के अंदर, ये हड्डियों को मजबूत करता है, ताकतवर बनाता है हड्डियों को। विटामिन सी जो है आम के अंदर, यह आपके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कम करता है, उसे इत्तेदाल में रखता है। आम दमे के मरीजों के लिए भी अपने अंदर एक तासीर रखता है। खून के खुर सुर्ख ज़रात में बहुत इजाफा करता है। खून को फौरी तौर पर और बहुत ज़्यादा मिकदार में जितने भी फल हैं, सबसे ज़्यादा खून बनाने में जो है आम अपनी मिसाल आप है।
आम के अंदर अल्लाह पाक ने वो तासीर रखी है कि ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को, आपके कुव्वत मदाफियत का इंसानी जिस्म के अंदर जो निज़ाम है उसको तकवीत फराहम करता है, मजबूत करता है। और ये आम कुव्वत मर्दाना के लिए भी बड़ा अक्सीर है। फास्फोरस मैग्नीशियम के अलावा एंटी एक्सीडेंट जो है ये आंतों, खून और गदूद के कैंसर के लिए बड़ा मुफीद चीज़ है। छाती के कैंसर को जो चीज़ें फ़ायदा देती हैं उनमें गैलिक एसिड, मिथाइल गेल्ट, कोइरस्टिजन, आइसो क्वायर सीटन, इस्टरलेगन और फिस्टन बड़ी अहमियत के हामिल हैं। तो ये वो मालूमात थी जो आज आपके साथ शेयर करनी थी। आम के इतने बेशुमार फवायद हैं तो यही कहना चाहूँगा कि आमों का सीज़न जारी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आम खाएं, अपनी सेहत बनाएं। ये आजकल जो कोरोना की बीमारी है इसके लिए भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और इम्यूनिटी सिस्टम को, कुव्वत मदाफियत को बढ़ाने के लिए आम बेपनाह अच्छी चीज़ है, फ़ायदे वाली चीज़ है। तो गुजारशात यही थी कि आप शुगर के मरीज़ जो हैं वो एहतियात के साथ, और बाकी आम लोग खूब रूटीन के साथ रोज़ाना की बेस पे आम खाएं। और सीज़न ख़त्म होने पर आप यकीनन देखेंगे आम के फवायद अपने जिस्म पर, अपने जिस्म के अंदर महसूस करेंगे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को आम की शक्ल में एक फलों का बादशाह जो है ये एक बड़ा तोहफा अता किया है। हमारा पाकिस्तान का आम यूरोप, एशिया और अरब अमारात की जो रियासतें हैं यहाँ पे खासी तादाद में बरामद हो रहा है, और ये बरामदाद का सिलसिला इस साल मज़ीद बढ़ा है। उम्मीद है कि बागबानों को और व्यापारी हजरात को भी इसके फवायद जो हैं वो मिलेंगे। मैं इस मौके पर ये भी कहना चाहूँगा कि अपने हमारे जो बागबान हैं वो आम की तुड़ाई से लेकर भर्ती तक और इसे मंडियों तक पहुँचाने में बैनुल अक्वामी असूलों को, अपने कौमी असूलों को मद्देनज़र रखें, अच्छी हालात में इसे, इसकी तुड़ाई करें, पैकिंग करें, ताकि हमारा आम दुनिया के दूसरे ममालिक में जब चाहे तो वो बेहतर शक्ल में, बेहतर क्वालिटी के साथ जाए, ताकि हमारी बरामदाद बढ़ सकें और बरामदाद के नतीजे में पाकिस्तान का ज़र मुबादला जो है वो बढ़े, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हमारी मुआशी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। आज इन्हीं अल्फाज के साथ के फलों का बादशाह सिंध और सराकिस्तान की धरती, मेहमान नवाज धरती का ये मेहमान नवाज फल है। अल्लाह तबारक ताला हम सब को खुशियाँ और तहफ़ तफसीम करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।